महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कम रहा है, क्या आपको लगता है कि दूसरी लिस्ट में, जिस तरह से मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन की बात की, क्या दूसरी लिस्ट में ये संख्या बढ़ेगी? उम्मीदवारों के चयन के बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी पिछले सालों के बनिस्पत हमेशा जब कभी भी महिलाओं को टिकट देने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्रेसिव मूड से आगे बढ़ने का काम किया। इस बार भी समय आएगा, अभी तो वो सीटें जिन सीटों पर लगातार हम हारते रहे उन्हीं सीटों पर चयन हुआ है, अभी असली सीटें जिन पर कंटेस्ट होगा, जिन पर चुनाव होगा, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह परास्त होगी, उनकी तो सूची आनी बाकी है। भैया, आप चुनावी व्यस्तताओं में व्यस्त हैं और इस बीच श्राद्ध के लिए भी आप लोगों को समय नहीं मिल पा रहा, तो कैसे, किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं आप ये सब चीज़ें? देखिए, राजनीतिक जीवन की एक अपनी मर्यादाएं हैं, एक अपनी मजबूरियां हैं। निश्चित तौर पर जब धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं तो उसमें कई बार अपने आप को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आपने देखा होगा कि मैं श्राद्ध पर भी बच्चों के हाथ से वो खाना जो बंटना उसके लिए भी हाथ लगाया। मतलब चूँकि जयपुर की बात करें तो जयपुर में दो सांसदों को आपने, जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कैडर बेस कार्यकर्ता है, जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का चुनाव होता है तो छोटी मोटी बात होती है, परिवार की बातें हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है, और आज जो है वो कल नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की संस्कृति की पार्टी नहीं है, ये हम एक मिशन के साथ जुड़ते हैं। कार्यकर्ताओं को किस रूप में कहाँ खड़ा होना है, हमारे प्रधान सेनापति दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, हम उनकी सेना के सिपाही हैं, सिपाही का उपयोग कहाँ कैसे कब करना है ये अधिकार हमारे प्रधान सेनापति को है, और उन्हीं के अनुसार हमारे सांसद भी चुनाव में उतरे हैं, हमारे दूसरे लोग भी चुनाव में उतरेंगे, जैसा वो कहेंगे वो उतरेंगे, और जिसको कहेंगे नहीं उतरे वो नहीं उतरे। नरपत सिंह जी, भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद है, उनका टिकट कटा, काफ़ी नाराजगी है। कोई ऐसी बात नहीं, भूमिकाएँ बदलती है। मैं समझता हूँ कि जिस भैरव सिंह जी ने इस पार्टी को जिंदा किया उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं। अभी शादी का दौरा तय हो रहा है, जयपुर आने वाले हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है? अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ, तय होंगे, अब कार्यक्रम ही कार्यक्रम में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए कार्यक्रम 40 सीटें कांग्रेस के पास थी पिछली बार, आप लोगों ने टिकट दिए हैं, क्या सोच कर दिया कि 40 में से कितनी सीटें अपन इस बार? सुपड़ा साफ होगा, मैं कह सकता हूँ जो सीटें घोषित हुई है उसमें से 85% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वैसे अनीता गुर्जर है, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया पे कि मैं वसुंधरा राजे, मैं समझता हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं, ना गुट है ना कोई बात। अभी इसका भविष्य गर्म है, निश्चित तौर पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उस पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है।